नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल के दिन की भी खबरों के लिए खास रहा है और एक तरफ बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबर है तो वहीं गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ राकेश टिकैत की चेतावनी जैसी बड़ी खबरें प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा राजनीति के लिहाज से और भी खबरों के लिए कल का दिन काफी अहम रहा है। देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबर रही जो सुर्खियां बनी रही और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रंट पेज की हम बात करेंगे। अगर पहले पन्ने की हम बात करें तो आज समाज अखबार ने पहले पन्ने पर कई बड़ी खबरों को प्रकाशित किया है। फ्रंट पेज पर सबसे पहले बड़ी खबर के तौर पर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबर को प्रकाशित किया गया है। बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर नाम के ऐलान के बाद बीजेपी में बगावत हो गई है और इसी के बगल में कुंभ की आरती की भी खबर है। नीचे जाने पर हमें लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबर भी मिल रही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक बार फिर रोड जाम करने की चेतावनी दी है। इन सभी खबरों को बड़े खबर के तौर पर आज समाज अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल चुनाव में बीजेपी में मच रहे घमासान की। बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की वैसे विरोध के स्वर पार्टी में बुलंद हो गए हैं। पुराने कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि एक महीने भर पहले पार्टी में शामिल हुए लोगों को टिकट दे दी गई है, जिसको लेकर के जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी खबर के तौर पर राहुल गांधी की खबर को भी प्रकाशित किया गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया जिसमें ये लिखा, लाभ का निजीकरण हो रहा है, नुकसान का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और इसी के साथ फ्रंट पेज पर कुंभ की आरती की तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं, जिसमें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। इसी के साथ फ्रंट पेज पर एक दुखद और शर्मनाक खबर भी प्रकाशित है जो राजस्थान के झालावाड़ की है, जहां एक 15 साल की किशोरी के साथ 18 लोगों ने 9 दिन तक दुष्कर्म किया है। और इसी के ठीक नीचे किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी भी है, जिसमें टिकैत ने कहा कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को जल्द ही ब्लॉक किया जाएगा। सबसे नीचे जाने पर फ्रंट पेज पर देश की राजधानी की दयनीय स्थिति की खबर को प्रकाशित किया गया है। दरअसल एयर क्वालिटी मापने वाले स्विस ग्रुप आईक्यू केयर की स्टडी में दिल्ली दुनिया की सबसे जहरीली राजधानी बन गई है और ये बड़ी ही चिंता का विषय है। तो तमाम इन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी राज लाइव बने हुए हैं मेरे साथ। राज, तमाम जो बड़ी खबरें हैं, चाहे वो बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई हो क्योंकि बंगाल में चुनाव नज़दीक है, चाहे वो राकेश टिकैत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हो क्योंकि किसान आंदोलन को चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसके अलावा राजस्थान से भी एक बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है, इन सभी खबरों पर आप प्रकाश डालिए राज। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, तमाम उन खबरों को आज समाज अखबार ने जो राष्ट्रीय मेन पेज पर जगह दी है, जिन्होंने कल देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। पहली खबर हरिद्वार से है जो कुंभ आरती के दौरान, गंगा आरती के दौरान की एक तस्वीर, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर के जरिए पूरा जो नज़ारा है वो दर्शाने की कोशिश जो है वो आज समाज अखबार ने की है इस तस्वीर के जरिए, कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो गंगा आरती के दौरान जो है वहाँ हर की पौड़ी के ऊपर मौजूद हैं और तमाम जो है एक एक जो दृश्य है वो उसमें पूरा देखने को मिलेगा। यानी कि जो है शब्दों की जरूरत नहीं है, बगैर शब्दों के ही पूरी जानकारी, पूरे उस माहौल को दर्शाने की कोशिश जो है इस खबर के द्वारा आज समाज अखबार ने की है। इसके अलावा जो दूसरी खबर है ये बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है कि लगातार जिस तरह से घमासान जो मचा हुआ है बंगाल के चुनाव को लेकर, उस सबके बीच अब बीजेपी के अंदर भी जो है वो एक घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर एक असंतोष पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ताओं के अंदर है, नेताओं के अंदर है, और उसको लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो टीएमसी से निकलकर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तमाम उन लोगों को
जो है पार्टी ने पहले जो चरण में टिकटों की घोषणा की गई थी उन्हें टिकट दी है, तो इससे काफी जो है बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता वो नाराज है और ये एक प्रदर्शन किया और इसकी एक तस्वीर भी जो है वो इस खबर के अंदर प्रकाशित की है। साथ में ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनकी एक खबर है कि उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें मरवाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले एक चोट भी जो है ममता बनर्जी के पैर में लगी थी और उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी को निशाने पर टीएमसी साधे हुए और एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साजिश का आरोप जो है सीधे गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाया है। इसके बाद जो एक और बड़ी खबर है, ये पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली खबर है जो कि राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है। यहाँ एक नाबालिग के साथ करीब 18 लोगों ने 9 दिन तक दुष्कर्म किया। इस खबर को भी प्रकाशित किया है कि किस तरह से अभी भी हमारे समाज के अंदर इस तरह के दरिंदे हैं जो इस तरह की करतूत करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस खबर को भी प्रमुखता से छापा है और तमाम जो जानकारी विश्लेषण के साथ इस खबर को जो है वो राष्ट्रीय पेज पर जो है वो जगह दी गई है। इसके अलावा लगातार गिनती देखने में आ रहा है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं या कई हिस्से हैं जहां कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें से गुजरात भी एक राज्य है जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिसको देखते हुए गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जो है हर तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। तो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें एक तस्वीर भी और तमाम विश्लेषण जानकारियां दी गई है कि कौन कौन से वो शहर हैं गुजरात के जहां पर अब एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट शामिल हैं और यहां 17 मार्च से 31 मार्च तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ एक बार फिर किसानों से जुड़ी हुई खबर को भी जो है प्रमुखता आज समाज अखबार ने दी है। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और आज समाज अखबार किसानों के मुद्दों को भी लगातार जगह दे रहा है, उनकी बात को जो है वो प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है। एक बार फिर राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जो किसान आंदोलन को लेकर आगे की उनकी रणनीति क्या होगी और उसी रणनीति के तहत नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी अब जो है वो जाम करने की कोशिश या तैयारी जो है वो किसान कर रहे हैं। इसका ऐलान कल राकेश टिकैत ने किया था और उनके उस पूरे बयान को जो है वो उनकी तस्वीर के साथ आज समाज अखबार ने छापा है। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि किस तारीख से जो है दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील करने की तैयारी किसान करेंगे, लेकिन अब जो आगे की रणनीति है वो साफ कर दी है राकेश टिकैत ने और उस खबर को जगह दी है। इसके अलावा एक और जो बॉटम लीड के तौर पर जो इस खबर को जगह दी है वो है कि जो एक सर्वे हुआ है, एजेंसी के द्वारा एक सर्वे किया गया है कि देश के तमाम ऐसे शहर जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है उनकी एक सूची जारी की गई है और ये कहीं ना कहीं डरा देने वाली भी और शर्मनाक भी है ये कि देश की राजधानी दिल्ली जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में जो है वो शुमार कर रही है। 50 ऐसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है एजेंसीज में, जिसमें 35 शहर कीर्ति भारत के हैं, हिंदुस्तान के ये 35 शहर हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो कि कल सुर्खियां बनी देश भर की, इन्हें पूरी जानकारी पूरी डिटेल विश्लेषण के साथ आज समाज अखबार ने राष्ट्रीय पेज पर जगह दी। जी ठीक है राज, लौटेंगे आपके पास। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज समाज के तीसरे पन्ने की, जिस पर हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस पेज पर पहली खबर के तौर पर बीबीटी यानी बिग बॉय टॉयज के फाउंड की कहानी छिपी हुई है और इसी के नीचे सीएम मनोहर लाल की विपक्ष को नसीहत है। तो इसी के बगल में विधायकों से 5 करोड़ रुपयों के कार्यों को लेकर के डिप्टी सीएम ने एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है। ऐसी बड़ी खबरों को तीसरी पेज पर जगह मिली है। पहली खबर के तौर पर पुरानी कारों को नए अवतार में पेश करने वाली कंपनी बिग बॉयज टॉयज के फाउंडर जतिन आहूजा की खबर है। कैसे जतिन आहूजा ने 70,000 से सफर शुरू करके आज 300 करोड़ तक वो पहुंच गए हैं और इसी के नीचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बजट को लेकर के प्रतिक्रिया है। सीएम ने यह कहा है कि विपक्ष को आलोचना का फॉर्मेट बदलने की जरूरत है। इसी के ठीक बगल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की खबर को प्रकाशित किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों से 5 करोड़ कार्यों का एस्टिमेट तैयार करने की बात कही है। नीचे जाने पर हमें कैग की रिपोर्ट की खबर पढ़ने को मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि कैग की रिपोर्ट में अवैध क्लोनाइजर और छात्रवृत्ति घोटाले पर सवाल उठे हैं।
तो तीसरी पेज पर सबसे नीचे जाने पर सीएम से ब्रिटिश उच्चायुक्त की मुलाकात की खबर को प्रकाशित किया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें प्रदेश से जुड़ी हुई प्रकाशित की गई हैं। राज वर्मा मेरे सहयोगी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो कि प्रदेश से जुड़ी हुई इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राज, अगर हरियाणा एडिशन को देखा जाए तो उन तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है जो कल सुर्खियों में रही है, चाहे वो दुष्यंत चौटाला से जुड़ी हुई खबर हो या फिर मुख्यमंत्री जो कि ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिले हैं उनको लेकर के बड़ी खबर हो। राज, बिल्कुल देखिए, हरियाणा के पेज की बात करें तो हरियाणा के पेज पर भी तमाम खबरों को आज समाज अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जो कि प्रदेश की कल हेडलाइंस थी, सुर्खियां थी। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव खबर के साथ ये शुरुआत की गई है कि किस तरह से जतिन आहूजा, जो कि बिग बॉय टॉयज के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने सफर को 70,000 रुपये से शुरू किया था और आज वो 3,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी कंपनी उन्होंने जो है वो खड़ी की है। इस पूरे सफर की जानकारी, किस तरह से ये सफर शुरू हुआ, किस तरह से जो एक के बाद एक माइलस्टोन्स जो है वो तय करते गए और एक नई जो है वो कंपनी को, जो कि सिर्फ 70,000 रुपये से शुरू की थी, उसे एक बड़ी जो है 300 करोड़ की कंपनी बनाने का जो पूरा एक सफर था जतिन आहूजा का, उसकी पूरी डिटेल जानकारी जो है वो इस पूरे खबर में आप देखने को मिलेगी। और बाकी लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा उदाहरण है कि अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप कोई भी लक्ष्य जो है आपके लिए बेहद आसान है, आप उसे पा सकते हैं। तो ये पूरी एक जानकारी इस खबर के माध्यम से दी गई है। बहुत से ऐसे लोग भी, इस कोरोना काल की बात करें खासतौर से कीर्ति की, क्योंकि एक आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान भी जो है कोरोना काल में हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि वो हताश या निराश ना हो। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है इस खबर के जरिए वो देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक इसके नीचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, उससे जुड़ी हुई खबर है कि कल विधानसभा में विपक्ष को निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने जो एक बयान दिया कि विपक्ष को आलोचनाओं का जो फॉर्मेट है वो बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये संदेश देना चाहते थे विपक्ष को कि हर बात में कमियां निकालना जो विपक्ष की आदत हो गई है, जो कुछ अच्छी चीज है, अच्छे जो पहलू है, उसे भी विपक्ष जो है वो विरोध करने के चक्कर में नकारता है। तो इस खबर को जो है वो प्रमुखता से तस्वीर के साथ जो है वो प्रकाशित किया है। इसी तस्वीर में बॉक्स में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी जो है वो प्रकाशित उनकी तस्वीर के साथ किया गया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जीडीपी की ग्रोथ अधिकतम 8% हो सकती है, तो वहीं कर्ज दर 18% के लिहाज से बढ़ रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि कोई और बेहतर स्थिति नहीं है। तो एक ये इस पूरी खबर के दौरान बॉक्स में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर के साथ ये बयान है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तमाम जो विधायकों को 5 करोड़ के कार्य के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से एस्टिमेट बनाकर भेजने की जो है वो बात कही है। इस खबर को भी डिटेल जानकारी के साथ जो है वो छापा गया है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक खबर यहाँ पर प्रकाशित की है आज समाज अखबार ने कि किस तरह से अवैध कॉलोनाइजर और छात्रवृत्ति घोटाले जो हुए थे उसको लेकर सवाल जो है कैग की रिपोर्ट में उठाया गया है, और किस तरह से पूरे घोटाले हुए थे, किस तरह से यहाँ पर ये सवाल उठे, तमाम जानकारी जो है वो इस रिपोर्ट में जो थी उसे प्रकाशित किया गया। और साथ ही बॉक्स में अलग अलग जिलों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी किस तरह से कुछ धांधलियाँ हुई या उन पर सवाल उठे वो भी क्रमबद्ध जो है जानकारी इस खबर के अंदर समाज अखबार ने दी है। साथ ही साथ एक तबादला रोकने से संबंधित याचिका को भी कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है वो खारिज किया है। गुरुग्राम के चीफ इंजीनियर रमन शर्मा, जो कि पहले यहाँ गुरुग्राम में कार्यरत थे, उन्होंने ये याचिका लगाई थी जिसे कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन के मंत्री और ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी, तो इस मुलाकात की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है उसके साथ ये पूरी जानकारी इस खबर के अंदर आज समाज अखबार ने प्रकाशित की है। जी के ठीक है, शुक्रिया राज तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब हम बात करेंगे अंबाला एडिशन के फ्रंट पेज की, और इस पेज पर अंबाला से जुड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया। इस एडिशन में कोरोना वैक्सीन के मेगा अभियान, बैंकों के निजीकरण को लेकर के हड़ताल और कोरोना के संक्रमण जैसे खबरों को प्रकाशित किया गया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे खबर जो कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है, कोरोना वैक्सीन के मेगा अभियान से जुड़ी है। वैक्सीन के अभियान के तहत पीएचसी पंजोखर जिले में पहले स्थान पर रहा है। निजीकरण के विरोध में हड़ताल को लेकर के बैंकों से जुड़े लोगों का कहना यह है कि बैंकों के निजीकरण से कोई लाभ नहीं है।
इसके अलावा अंबाला में कोरोना से लोगों में दहशत फिर बढ़ने लगी है। अंबाला में कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं और ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं इनको अंबाला एडिशन में मुख्य तौर पर जगह मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार की ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले के संस्करण को प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चल ना यार, रेडियो ऑन, धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियो ऑन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। हाँ, ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो, स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी, फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30, भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य।